प्रणमो जनानम। बारह राशियों के इष्ट मंत्र की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि के इष्ट मंत्र के संदर्भ में। कुंभ राशि जिसका प्रतिचिन्ह है कुंभ कलश, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके अंतरंग में बहुत कुछ ऊर्जा समाहित होती है, लेकिन वे संग्रहित करने की पावर तो रखते हैं, लेकिन कभी कभी उस संग्रहित पावर की वजह से भी वो खुद परेशान हो जाते हैं। कुंभ राशि का स्वामी है शनि ग्रह। शनि ग्रह सूर्य का पुत्र है ज्योतिष के हिसाब से, और शनि अपने आप में बहुत न्यायप्रिय भी होता है, वो कभी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। शनि ग्रह जिस राशि के स्वामी होते हैं यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि, ये दोनों राशियों के जातक जितने भी हैं वे अपने जीवन में अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो वे स्वयं के साथ कई बार कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उनके जीवन को तहस नहस कर देता है। तो आप अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता, आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक निरोगता और साथ साथ मानसिक शांति यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आचार्यों का निर्देश है कि इष्ट मंत्र की साधना करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि मंत्र क्या है, मनस्य त्राणमिति मंत्र, जो मन की रक्षा करता है वही तो मंत्र है। तो अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए यदि आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करते हैं तो आप हर एक समस्या में समाधान खोज लेते हैं, आपके जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति सब स्वयमेव दूर हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, क्योंकि आचार्यों ने कहा मंत्र साधना से पाप दूर होते हैं और पुण्य अपने आप लाभ को प्राप्त होता है, यानी कि पुण्य बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, पाप घटना प्रारंभ हो जाता है। और जब आपके जीवन में पुण्य बढ़े पाप घटे तब समझ जाइए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो कुंभ राशि के जातक यदि अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करें तो कुंभ राशि का स्वामी कौन है, शनि ग्रह है, ठीक है। तो शनि ग्रह की वजह से कई बार आपको मानसिक अशांति झेलनी पड़ती है, मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, स्ट्रेस, चिंता, दुख, पीड़ा, ये सारे के सारे कष्ट आपको मानसिक झेलने पड़ते हैं। इनसे यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आर्थिक संपन्नता, आर्थिक समृद्धि पाना चाहते हैं तो यह इष्ट मंत्र आपके लिए रामबाण है। यह इष्ट मंत्र आप नोट कर लें, कैसे साधना करनी है साधना विधि भी नोट कर लें, कितनी जाप करनी है ये भी नोट कर लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह की शांति के लिए या कि शनि की महादशा या शनि की ढैया में या शनि की अंतर्दशा में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम धारण करवाया जाता है, या नीलम के स्थान पर आप सप्तमुखी अनंत रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। नीलम ओरिजिनल होना चाहिए तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा सकारात्मक होती है। सप्तमुखी अनंत रुद्राक्ष की जो पैरा डायमेटिक जो प्रॉपर्टी है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि आचार्यों ने यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति सप्तमुखी रुद्राक्ष को योग्य मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठित करवा करके धारण करता है वह दरिद्र से दरिद्र हो, गरीब से गरीब हो, उसको धनवान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो कुंभ राशि के जातक सप्तमुखी रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करवा के भी धारण कर सकते हैं और अपने इष्ट मंत्र की साधना कर सकते हैं। साधना की विधि समझ लीजिएगा, क्योंकि बिना विधि के विधान नहीं जमता है ना। तो साधना विधि क्या है, आपका इष्ट मंत्र आपको कैसे जपना है, कब जपना है, कितना जपना है, तो साधना विधि में आप नीलम की माला से जाप करें, भूल करके भी कांच की माला, प्लास्टिक की माला या लकड़ी की माला से कभी जाप नहीं करें। सप्तमुखी रुद्राक्ष की माला से भी आप जाप कर सकते हैं, नीलम की माला से भी आप जाप कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला से भी आप जाप कर सकते हैं, श्याम वर्ण या नील रंग के धागे की माला से भी आप जाप कर सकते हैं, या हाथों की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। कब जाप करना है, तो रोजाना संध्या काल की बेला में आपको जाप करना है। संध्या काल की बेला का मतलब जब सूर्य का अस्त हो रहा हो, चंद्रमा का उदय हो रहा हो, उस समय जब आसमान में हल्की हल्की लालिमा छा जाती है उस समय आपको जाप करनी है। यानी कि सूर्य अस्त होने के पश्चात जब शनि ग्रह का उदय होता है तो शनि ग्रह के उदय अवस्था में ही आपको जाप करनी है। जाप करते समय हमारा मुख किस दिशा में रहे, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख रहना चाहिए। कैसे कपड़े पहन के जाप करनी है, श्याम वर्ण या नील वर्ण यानी कि नील रंग के कपड़े या काले रंग के कपड़े पहन के आपको जाप करनी है, नील रंग के आसन पर बैठ के जाप करनी है या श्याम वर्ण यानी कि काले रंग के कपड़े बैठ कर ही आपको जाप करनी है। जाप के समय अपने सामने
एक तेल का दीपक अवश्य जला लीजिएगा और फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि। मन शुद्धि यानी कि पवित्र मन के साथ में, वचन शुद्धि यानी कि हमारा मंत्र का उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए, हमारे वचन एकदम शुद्ध होने चाहिए, और काया की शुद्धि यानी कि स्नान पूर्वक आपको बैठना है। ठीक है, फिर कितनी जाप करनी है, तो रोजाना हम इस मंत्र की पावर को बढ़ाने के लिए कम से कम 108 बार तो जाप करेंगे ही करेंगे, लेकिन 108 बार जाप करने से पहले एक बार अपने जीवन में अपनी राशि के इष्ट मंत्र की सिद्धि अवश्य कर लें। आचार्यों ने कहा है कि जो जातक अपनी राशि के इष्ट मंत्र की सिद्धि कर लेता है और फिर उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आता है, कोई बीमारी आती है, कोई आपत्ति आती है, उस समय यदि वह अपने सिद्ध किए हुए इष्ट मंत्र की केवल स्मरण कर ले, केवल एक जाप कर ले, वह तत्काल उस आपत्ति से छुटकारा पा जाता है। तो इसलिए इस बीज मंत्र की, इस इष्ट मंत्र की एक बार सिद्धि जरूर कर लीजिएगा। सिद्धि करने के लिए क्या करना है, तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी पहले शनिवार से, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से 3 दिन तक आपको इस मंत्र की 27,000 बार जाप करनी है। 27,000 जाप करने के लिए आपको माला कितनी करनी होगी, तो एक माला में होते हैं 108 मोती। ठीक है, तो 108 का डिवाइड कर दीजिएगा तो तकरीबन 270 माला आपको करनी होगी, यानी कि 90 माला आपको रोजाना करनी है। 3 दिन में आपको ये जाप पूर्ण करनी है, 27,000 जाप पूर्ण करनी है 3 दिन के अंदर। मंत्र आप नोट कर लें, मंत्र का उच्चारण बार बार सुन लें, क्योंकि मंत्र का उच्चारण पूरी तरह जब शुद्ध होगा तभी मंत्र की सिद्धि हो सकेगी, अशुद्ध उच्चारण आपको सिद्धि देने में असमर्थ रहेगा। मंत्र का उच्चारण ध्यानपूर्वक स्मरण करें, ओम ह्रह रमो लोए सव साहूडम, यह कुंभ राशि के जातकों के लिए इष्ट मंत्र है। ओम ह्रह रमो लोए सव साहूडम, ओम ह्रह रमो लोए सव साहूडम, यह इष्ट मंत्र जैन धर्म के रमोकार महामंत्र से लिया गया है। जैन धर्म के रमोकार महामंत्र के बारे में कहा गया है, एसो पंच नमोयारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवई मंगलम। यह पंच नमस्कार नमोकार महामंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है, और हमारे जीवन का यही तो उद्देश्य रहना चाहिए कि हम पाप का नाश करें, पुण्य का प्रकाश करें, और मंत्र साधना से अच्छा कोई दूसरा माध्यम या कोई दूसरा उपाय नहीं है पुण्य को बढ़ाने का और पाप को घटाने का। तो यह इष्ट मंत्र आप नोट कर लें, ओम ह्रह नमो लोए सब सौडम, एक बार इसकी 27,000 बार जाप कर लीजिएगा और फिर रोजाना 108 बार जाप कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक आपत्ति विपत्ति संपत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, आने वाला कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ हमने ये पूरी श्रृंखला बनाई है। आपकी अगर कोई और राशि है तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने प्रत्येक राशि का इष्ट मंत्र बताया है और प्रत्येक राशि का इष्ट देव बताया है। आचार्यों ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करे, अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करे, उसके जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, वह अपने आप के अपने जीवन को पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है, एक तरीके से उसके जीवन में एक वज्र कवच बन जाता है, उसके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तो आपका जीवन सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, और आप अपने जीवन में हर एक तरीके से सफलता प्राप्त कर सकें, यही हमारी भावना है, यही हमारी प्रार्थना है। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम शांति, ओम नमः।